गर्मी को देखते हुए छुट्टी बढ़ा दी गई है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी की वजह से लगातार सवालों के घेरे में स्कूल और स्कूल प्रशासन और वो बच्चे थे जो लगातार स्कूल जा रहे थे लेकिन उन्हें कष्ट और परेशानी सबसे ज्यादा गर्मी को लेकर थी, क्योंकि इस भीषण गर्मी में जहां पर पारा 40 डिग्री के पार रोजाना पहुंच जा रहा है तो इस भीषण गर्मी में आखिर बच्चे पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। इसको लेकर सरकार का निर्देश आया और जिसके बाद से जो 12 जून तक छुट्टी थी उसको बढ़ाकर 14 जून कर दिया गया। फिर उसके बाद सरकार का निर्देश आता है और शिक्षा सचिव रवि कुमार के द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं कि इस छुट्टी को दोबारा एक बार फिर से बढ़ा दी जाए, तो 14 के बाद फिर एक बार छुट्टी बढ़ाई जाती है और उसको 17 जून किया जाता है। अब फिर से एक नई तारीख का ऐलान झारखंड के शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है जिसमें 17 जून के बाद अब छुट्टी को बढ़ाकर 21 जून की तारीख तक कर दी गई, जिसमें कक्षा केजी से लेकर 8वीं तक की कक्षा की छुट्टी पूर्ण रूप से कर दी गई है। वहीं कक्षा 9वीं से ऊपर तक की जितनी भी कक्षाएं हैं उसका जो क्लासेस होगा वो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक चलेगा। तो ये एक बड़ी खबर सामने आई है झारखंड के शिक्षा विभाग की ओर से, जहां इस भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने निर्णय किया है कि दोबारा से 21 जून तक तमाम झारखंड के सरकारी, प्राइवेट, निजी और अल्पसंख्यक विभाग के स्कूलों की छुट्टी को बढ़ा दी जाए और दोबारा जो स्कूल है पूर्व की भांति वो 22 जून की तारीख से खुलना शुरू हो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या 22 तारीख से स्कूल दोबारा खुलेंगे या फिर इस गर्मी को देखते हुए आगे सरकार अपना फैसला बदलती है और इस छुट्टी को आगे भी बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में उत्तर भारत में गर्मी पड़ रही है, बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी की वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है, कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, झारखंड में भी कई जगह पर रेड अलर्ट है और सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। साथ ही साथ यूपी के कुछ इलाकों में गर्मी की वजह से बीते 3 से 4 दिनों के अंदर 50 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है, कई सारे लोग अस्पताल में, लगभग 400 से 500 लोग अस्पताल में भर्ती है। हालांकि जो स्कूल की छुट्टी खत्म हुई थी और 17 जून से स्कूल की शुरुआत हुई थी उसमें 9वीं कक्षा और साथ में साथ 10वीं कक्षा की एक छात्रा जो स्कूल जाती है गुरु नानक स्कूल की, वो स्कूल में बेहोश हो जाती है जिसके बाद उसे MGM अस्पताल ले जाया जाता है। तो इस भीषण गर्मी की वजह से लगातार हालात जो है काफी खराब हैं और इससे निपटने के लिए सरकार कहीं ना कहीं अपना निर्णय बदल रही है और आगे हो सकता है कि दोबारा स्कूल की छुट्टी को बढ़ाया जा सके। ये एक बड़ी खबर आज झारखंड के शिक्षा विभाग की ओर से, शिक्षा सचिव की ओर से निकल कर सामने आई है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और अन्य लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहे आजाद रिपोर्टर जमशेदपुर।